Hello friends, my name is Shadaab Memon and welcome back to my channel Superb Collection। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए लाया नया अपडेट 2019 का पेट्रोल पंप के रिलेटेड, जिससे पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आज। जैसे हमारे इंडिया में टोटल 6 कंपनी है पेट्रोल पंप की, उनमें से जो है कि 3 प्राइवेट है और 3 गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट है जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और जैसे प्राइवेट में है एस्सार ऑयल, रिलायंस पेट्रोलियम और सेल। इन 5-6 कंपनी के बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इनकी जो है फ्रेंचाइजी के लिए डीलरशिप कब निकलने वाली है, ये ड्रॉ कब निकलने वाला है, और इसका जो है कि प्रोसेस क्या होता है, आपको फ्रेंचाइजी किस तरीके से लेनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। पहले आपको मैं गवर्नमेंट के बारे में बताऊँगा, गवर्नमेंट पेट्रोलियम के बारे में, गवर्नमेंट के जो पेट्रोल पम्प हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। उसके बाद मैं आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन बताने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, और जो सब्सक्रिप्शन का बटन है वो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, ठीक है। तो आप उसे अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो है फ्यूचर में आएंगे जो मैं नए वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि पेट्रोल पम्प के रिलेटेड या फ्रेंचाइजी के रिलेटेड मैं वीडियोस लाता हूँ, आप साथ देख सको। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं हम गवर्नमेंट पेट्रोलियम से। जैसे आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट पेट्रोलियम में फ़िलहाल जो है कि गवर्नमेंट की 3 कंपनी है, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में टोटल 3 कंपनी है गवर्नमेंट की। एक है इंडियन ऑयल जो कि सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है, दूसरा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और तीसरा है भारत पेट्रोलियम। तो आपको बताना चाहूँगा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियन ऑयल के पेट्रोल पम्प हैं, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सेकंड नंबर पे, और जो सबसे कम हमारे पास पेट्रोल पंप है इंडिया में वो है भारत पेट्रोलियम, ठीक है। तीनों भी ये गवर्नमेंट कंपनी है, और सबसे ज़्यादा इसका मार्जिन जो है इंडियन ऑयल जो है, इंडियन ऑयल का सबसे ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल पम्प उन्हीं के हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्जिन इंडियन ऑयल का ही है, ठीक है। और जैसे उसके बाद जो है मार्जिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, फिर भारत पेट्रोलियम का। भारत पेट्रोलियम जो कि बहुत कम होते हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू इंडियन ऑयल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम बहुत कम है, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मार्जिन इंडियन ऑयल का है। और अगर आप जो है कि पेट्रोल पम्प की अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है गवर्नमेंट में तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के लिए ट्राई करिए। भारत पेट्रोलियम के काफ़ी कम पेट्रोल पम्प है, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है। और जो है कि सर्विस बहुत अच्छी है कस्टमर्स के लिए भी और उनके ओनर्स और फ्रेंचाइजीज़ के लिए भी, क्योंकि उनके पास जो है कम पेट्रोलियम है, ठीक है। तो उन्हें जो है कि सारी चीज़ों का देखभाल और फ्रेंचाइजी के रिलेटेड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है उनका, क्योंकि उनका कम पेट्रोलियम है, तो वो चाहते हैं कि हमारा भी नाम इंक्रीज़ हो, हमारा भी सादे पेट्रोल पम्प बने, ठीक है। उसके बाद जो अगर आपको सपोज भारत पेट्रोलियम नहीं मिलता है तो ट्राई करिए इंडियन ऑयल के लिए, अगर भारत पेट्रोलियम पम्प नहीं मिलता है तो ट्राई करिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए, अगर हिंदुस्तान का नहीं मिलता है तब जाके ट्राई करिए इंडियन ऑयल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी करंटली ड्रॉ निकला था 2019 में, चलान निकला था, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल भी किया होगा, आप सबको पता होगा। अगर फिल नहीं किया, अब तो फिल नहीं कर सकते, फ़िलहाल के लिए जो है काम रुका हुआ है, फ़िलहाल अभी कोई नए पेट्रोल पम्प की फ्रेंचाइजी नहीं दी जा रही, इलेक्शन की वजह से थोड़ा होल्ड पर है। जैसे इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो कि काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज निकलेंगे। तो जैसे बताना चाहूँगा ये कंपनी वर्क कैसे करती है, अपने फ्रेंचाइजी सर्च कैसे करती है। तो इनके जो है कि सेल्स मैनेजर होते हैं हर एक कंपनी के काफ़ी सारे, तो जो सेल्स मैनेजर हर एरिया में जाते सर्च करते हैं कि कहाँ पर हमारे पेट्रोल पम्प की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग जाके हर जगह पे सर्च करते हैं कहाँ पर हमारा पेट्रोल पम्प बन सकता है, कहाँ पर हमारा पेट्रोल पम्प बनेगा तो हमें जो है कि अच्छा बिजनेस मिलेगा, हमारा ग्रो होगा। तो जो है कि सबसे पहले जाके वो सर्वे करते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह है जहाँ पर अगर उस जगह लोकेशन पे हमें पेट्रोल पम्प बनाना है कोई कंपनी को, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में किसी लोकेशन पे, मुंबई में चर्च गेट में किसी पेट्रोल पम्प बनाना चाहती है अगर इंडियन ऑयल चाहती है कि मैं नया पेट्रोल पम्प बनाऊँ चर्च गेट में, और चर्च गेट के अंदर इसको कोई अच्छा लोकेशन मिला है, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, अपना एडवर्टाइज़ निकालेंगे, जैसे सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर द्वारा ये एडवर्टाइज़ निकालते हैं। तो जैसे आपके पास एडवर्टाइज वगैरह आते हैं तो देखिए जैसे वही मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर जो है कि ये अपना एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। जब इनका एडवर्टाइजमेंट आएगा न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया द्वारा तो आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप अप्लाई करते हो और अगर उन्हें आपकी लैंड पसंद आती है तो आपको जो है कि वो आपके यहाँ पर आते हैं, एक बार आपकी लैंड का वापस से सर्वे करते हैं। उसके बाद जो है कि आपको LE, उसके बाद आपको जो है NOC वगैरह लेनी, आपको जो है ड्रॉ निकलने के बाद LEC FVC बनानी होती है, NOC बनानी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, LOI लेना होता है, लेटर ऑफ इंटेंट। ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये तीनों चीज़ें आपने अप्लाई कर दी तो इसका मतलब ये नहीं, ये तीनों चीज़ें अगर आपने सबमिट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रेंचाइजी मिले। वो सबमिट करने के बाद भी रिजेक्शन के चांसेस है, ठीक है। आपने जो है कि NOC काफ़ी अलग अलग तरीके अलग अलग जगहों से लेनी होती है, जैसे कि बिजली के लिए, फायर के लिए NOC लेनी होती है और फॉरेस्ट NOC लेनी होती है। लैंड अगर आपका कन्वर्ट नहीं तो आपका खुद का लैंड होना चाहिए, उसे कन्वर्ट करना होता है आपको, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं चलता है। और देखिए आपके पास ज़मीन है तो उसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अप्लाई करिए, फ़िलहाल अभी तो नहीं, इलेक्शंस के बाद जब फ्रेंचाइजी आएगी तो अप्लाई करिए। हो सकता है कि आपको मिल जाए, मौका मिल जाए फ्रेंचाइजी का। और अगर सपोज़ अगर आपके पास जैसे ज़मीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़मीन लीज़ पर भी ले सकते हो, आप लीज़ पर भी ले सकते हो, उसका एग्रीमेंट बना के आप जो है कि सबमिट कर सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट सारे आपके क्लियर होने चाहिए। और बताना चाहूँगा एज जो है, एज क्राइटेरिया जो है कम से कम आदमी की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए और मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का। अब मैं आता हूँ प्राइवेट पे। प्राइवेट पे सबसे पहले हम लेंगे रिलायंस पेट्रोलियम। रिलायंस पेट्रोलियम सबसे बेस्ट है प्राइवेट में। अगर आपको तीनों गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करिए, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो रिलायंस का ट्राई करिए। आपको अगर वहाँ पर गवर्नमेंट में नहीं मिला तो क्या प्राइवेट तो जल्द से मिल जाता है। बताना चाहूँगा देखिए रिलायंस का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि ये जो है वर्ल्ड नंबर 1 रिफ़ाइनरी है। यहाँ पर वर्ल्ड नंबर 1 रिफ़ाइनरी, मैं इंडिया की नंबर 1 नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 रिफ़ाइनरी है। इनका जो है रिफ़ाइनरी गुजरात में है, सबसे बड़ा। कभी चाहो गुजरात तो ज़रूर विज़िट करिए। ये जो है कि वर्ल्ड नंबर 1 रिफ़ाइनरी है। और जो जितने भी पेट्रोल पंप है यहाँ पर इंडिया में वो सिर्फ 5% है। और जितने भी मतलब ये लोग जो कि रिफ़ाइनरी ऑयल रिफ़ाइन करके जो भेजते हैं इंडिया में सिर्फ 5%, बाकी का 95% जो है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कितना बड़ा मार्जिन है इसका, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 रिफ़ाइनरी है इसका। और जो है कि इनका खुद का रिफ़ाइनरी है। और बेस्ट चीज़ ये है देखिए, बताना चाहूँगा आपको जो है इससे बहुत चीज़ें सीखने मिलती है। अगर आपको जैसे मुकेश अंबानी के बारे में पता होगा तो ये कंपनी मुकेश अंबानी ने स्टार्ट की थी। तब स्टार्ट में जब इन्होंने स्टार्ट करने से पहले ये खुद एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे एज एन अधिकारी, और आज देखो वो कहाँ पहुँच गए। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे संभाल रहे, लेकिन उन्होंने अब जितनी बड़ी रिफ़ाइनरी बनाई है गुजरात में, कभी जाओगे तो देखो कितनी बड़ी है। तो ये जो है कि सबसे बेस्ट है प्राइवेट सेक्टर में। इनके यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियोस में बताया है, बट बहुत अच्छी कंपनी है। और रिलायंस तो ब्रांड है, आप लोगों को पता ही है, और वर्ल्ड नंबर 1 रिफ़ाइनरी है। तो आप सबसे पहले अगर आपको गवर्नमेंट के फ्रेंचाइजी नहीं मिलती है तो ट्राई करिए रिलायंस के लिए। और अगर सपोज़ रिलायंस नहीं भी मिलता है तो एसआर ऑयल के लिए ट्राई करिए। एसआर ऑयल भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं, खास करके गुजरात में और नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा इसके पेट्रोल पम्प है। और जैसे कि इसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, रिलायंस से थोड़ा ज़्यादा है, बट बहुत अच्छी कंपनी। लाल कलर का जो होता है एसआर ऑयल, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप जो है उसके अंदर अप्लाई करिए, आप उस लिए ट्राई करिए। यहाँ पर जो है कि आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं रिलायंस के। तो रिलायंस के नहीं मिल रहे तो आपको एसआर ऑयल के मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एसआर ऑयल जो है चाहता है कि मैं अपने नए पेट्रोल पंप बनाऊँ, ठीक है। एसआर ऑयल फ्रेंचाइजी भी जल्दी से दे देता है, इसके ज़्यादा वो हो तो ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इन्हें भी सेम रिक्वायरमेंट होती है NOC वगैरह की। अगर आप लैंड कन्वर्ट कर रहे, अगर लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, NOC वगैरह बना लीजिए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर आप रिलायंस का, अगर आप एसआर ऑयल का बनाते हो फ्रेंचाइजी तो कहा बहुत अच्छी कंपनी है। आपको तो रिव्यू देख सकते हो इनका ऑनलाइन जाके, मैं तो सजेस्ट करूँगा बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन डायरेक्ट एसआर ऑयल के लिए मत ट्राई करिए, सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए ट्राई करिए। जैसे सबसे पहले भारत पेट्रोलियम के लिए ट्राई करिए, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए, उसके बाद इंडियन ऑयल के लिए, अगर नहीं मिलता है तो रिलायंस के लिए, और अगर रिलायंस नहीं मिलता तो एसआर ऑयल के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है, बाकी जितनी भी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, जिन भी कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। और एक लास्ट कंपनी है जो सेल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सेल जो है वर्ल्ड नंबर 1 पेट्रोलियम कंपनी है। रिलायंस जो है वर्ल्ड नंबर 1 रिफ़ाइनरी कंपनी है, बट सेल जो है वर्ल्ड नंबर 1 पेट्रोलियम कंपनी है। इसके सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप जो है पुणे में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में ज़्यादा पेट्रोल पंप है, बट इंडिया में बहुत कम पेट्रोल पंप है, बट आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप है। इस कंपनी जो स्टार्ट हुई है 105 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई है। 105 साल पुरानी कंपनी है, तो तुम कुछ सोच लो कि कितनी अच्छी कंपनी होगी। और इंडिया में बहुत कम पेट्रोल पंप है इसके, लेकिन अभी ये इंडिया में भी ग्रो हो रहा है, तो बहुत जल्द जो इंडिया में भी इसके काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी आएंगे। और देखिए अभी फ़िलहाल किसी की भी फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही, क्योंकि इलेक्शन की वजह से सारी फ्रेंचाइजी रुकी हुई। जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा तो सारी कंपनीज़ की फ्रेंचाइजी आएगी, तो जैसे फ्रेंचाइजी आएगी ना तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दूँगा कि फ्रेंचाइजी इसकी निकली है, इसके लिए क्या अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा जैसे ही फ्रेंचाइजी निकलेगी तब, ठीक है। और अगर आपको इसके रिलेटेड अभी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। और बेफिक्र ही आपने इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताया 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कलेक्ट की है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ओके। थैंक यू वेरी मच।